चाचा रौनकी राम ओ नाम जिन्हां नूं असीं अपने बचपन च बहुत देखिया ते सुनिया। चाचा रौनकी राम दा नाम सुन के चेहरे ते मुस्कान आ जांदी सी ते जिन्हां ने अपने बचपन च दूरदर्शन जलंधर ते रौनक मेला प्रोग्राम देखिया होना उन्हां नूं वी ओह वेला याद आ गया होना है। दोस्तों अज चाचा रौनकी राम दे बारे जानकारी सांझी करन जा रहे हां। सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं देख रहे हो पंजाबी मूवीज़ अड्डा यूट्यूब चैनल ते मेरा नाम है गगनदीप। रौनकी राम यानी कि बलविंदर सिंह विक्की, उन्हां दा सफर आसान नहीं सी। गरीब परिवार च जन्मे बलविंदर विक्की दे जन्म होने दे कुछ दिन पहला ही उन्हां दे पिता की हत्या कर दी गई, जिस बारे उन्हां नूं बहुत बाद च पता लगा। सो दोस्तों, चाचा रौनकी राम दे बारे जानने लई वीडियो नूं पूरा जरूर देखियो ते नाल ही लाइक करना भी ना भुल्यो। असीं मशहूर लोगों ते सितारियां बारे इंट्रस्टिंग जानकारी ते उन्हां दी बायोग्राफीज़ लेके आउंदे रहिंदे आ, तुसीं उपर दिते आई बटन ते क्लिक करके देख सकदे हो। बलविंदर सिंह विक्की जिन्हां नूं असीं चाचा रौनकी राम दे नाम तों जाणदे हां, उह जलंधर च जम्मे पले ते उन्हां दा जन्मदिन आउंदा है 17 अगस्त नूं। उन्हां दे पिता जी दा नाम है सरदार सुचेत सिंह आलूवालिया ते माता जी दा नाम है श्रीमती जसवंत कौर। परिवार च बलविंदर विक्की तों इलावा उन्हां दीआं चार भैणां वी ने। बलविंदर विक्की ने अपनी स्कूल की पढ़ाई सीनियर सैकेंडरी स्कूल लाडोवाली रोड जलंधर तों पूरी की, दुआबा कॉलेज तो अपनी बी कॉम च ग्रैजुएशन पूरी की। बलविंदर विक्की का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार च होया। जो उन्होंने जन्म होया तो जन्म तो कुछ दिन पहला ही उन्होंने शरीकों वालों उन्होंने पिता का कतल कर दिता गया। पिता की मौत किवें हुई इस गल का पता बलविंदर विक्की बहुत साल बाद पता लगा। बलविंदर विक्की ने एक इंटरव्यू दौरान दसिया कि बाकी कलाकार वांगू उन्होंने छोटे होंदया कॉमेडी करन दा कोई शौक नहीं सी। उन्होंने बचपन तो सिर्फ एक शौक रहा क्रिकेट खेडण दा, ते स्कूल च भी वह क्रिकेट खेडते रहे ने। फिर जदों स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो कॉलेज च भी क्रिकेट खेडते रहे ते टीम के कैप्टन भी रहे। बलविंदर विक्की नकलां लाउण दा काफ़ी शौक सी ते एक बार वह अपने कॉलेज प्रिंसीपल दी नकल उतार रही सी और उन्हां दे प्रिंसीपल ने उन्हां नूं इह सब करदे देख लिया। बलविंदर दसदे ने कि मैं डर गया पर उन्होंने मेरी तारीफ की थी ते इस कॉमेडी एक्टिंग के खेत्र में अगे वधण लई हल्लाशेरी दित्ती। बस इत्थे तों ही मेरा यह सफर शुरू हो गया। फिर बलविंदर विक्की ने यूनिवर्सिटी लेवल ते कई कंपीटीशन च हिस्सा लिया ते हर बार जितण दे नाल ही बेस्ट एक्टर दा खिताब भी अपने नाम किया। कॉलेज पढ़न दे दौरान ही बलविंदर विक्की ने आकाशवाणी जलंधर दा टेस्ट पास किया ते 1980 च क्रिकेट कमेंटेटर दे तौर ते कम करना शुरू किया। इस दे नाल ही देहाती प्रोग्राम करने भी शुरू किए। रेडियो ते बलविंदर विक्की ने कई महान शख्सियतां जिवें कि पंडित हेमराज शर्मा जिन्हां नूं असीं भाईया जी दे नाम तों जाणदे हां ते ठंडू राम जी दे नाल काम कीता। अपने रौनकी सुभाअ दे कारण पंडित हेमराज शर्मा ने बलविंदर विक्की नूं नाम दिता रौनकी राम। रेडियो ते काम करन दे दौरान बलविंदर विक्की ने दर्शकों के ढिड्डी पीड़ां पाउण दे नाल नाल ही नाटकों च भी काम कीता। UPSC का पेपर पास करन मगरों बलविंदर विक्की ने दूरदर्शन ते स्पोर्ट्स के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर ज्वाइन किया। भारत सरकार वल्लों उन्हां नूं डेविस कप, फुटबॉल, हॉकी मैच के नाल नाल ही अटलांटा सिडनी ओलंपिक्स नूं कवर करन लई भी भेजा। दूरदर्शन जलंधर ते उन्हां ने कच्च दीआं मुंदरां ते पटारी समेत कई होर सीरियल च भी काम किया जिस नूं दर्शकों ने बहुत पसंद किया। रौनकी राम बने बलविंदर विक्की के नाम अगे चाचा शब्द लाया दूरदर्शन के प्रोड्यूसर ते डायरैक्टर हरजीत सिंह ने ते इस तरह किरदार बनया चाचा रौनकी राम। फिर उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया रौनक मेला। दोस्तों, जे तुसीं बचपन च यह प्रोग्राम देखिया तो तुहानू चंगी तरह याद होना कि हफ्ते बाद जो भी टीवी ते प्रोग्राम आउंदा तां लोकी अपने अपने काम छड्ड के टीवी अगे बैठ जांदे। इस प्रोग्राम का जादू लोगों के सिर चढ़ बोलिया। रौनक मेला की स्क्रिप्ट खुद बलविंदर विक्की लिखते, आप एक्टिंग करते ते कई नवे कलाकारां नूं दर्शकों के रूबरू करते। यह प्रोग्राम 1988 च शुरू होया ते करीब 4 तो 6 साल चलिया, पर बलविंदर विक्की दे नाल काम करन वाले दफ्तर दे लोकां तों बलविंदर विक्की दी चढ़ाई देखी नहीं गई ते उन्हां ने बलविंदर विक्की दे खिलाफ साजिशां करनियां शुरू कर दित्तियां। इन्हां सुपरहिट प्रोग्राम देण दे बदले दूरदर्शन ने बलविंदर विक्की नूं अगरतला दी ट्रांसफर दे दित्ती। बलविंदर विक्की काफ़ी निराश होए ते उन्हां ने छुट्टी लै लई ते घर बैठ गए, पर कुछ समय बाद दूरदर्शन ने उन्हां नूं मुड़ वापस बुला लिया। बलविंदर विक्की ने दूरदर्शन ते लारा लप्पा, बल्ले बल्ले शावा शावा, बच के मोड़ तो समेत कई होर कॉमेडी शो दिते जिहड़े अज भी साढ़े बचपन की एक मिठी याद है। पर साल 2003 च बलविंदर विक्की ने दूरदर्शन की नौकरी नूं सत श्री अकाल कह दिती। नौकरी छड्डन तो बाद बलविंदर विक्की दीआं कुछ कॉमेडी एल्बम्स भी आईआं जिन्हां नूं दर्शकों ने बहुत प्यार दिता। इन्हां एल्बम्स के नाल ही बलविंदर विक्की ने कुछ पंजाबी फिल्मां च भी काम किया
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 1995 ਚ ਆਈ ਮੁਕੱਦਰ, ਹਾਣੀ, ਯੰਗ ਮਲੰਗ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਗਰਾਰੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੇਨੂ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹਰਨੂਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਗੁਰਰਾਏ ਆਲੂਵਾਲੀਆ। ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੈਨਲ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਅੱਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ।